हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तिलक और आप देख रहे हैं एडवांस रीडर्स क्लब चैनल को। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन वो मिलते रहे दोस्तों। अब ट्रेड ड्रायर मींस क्या होता है दोस्तों, मैं आपको पूरा बताऊंगा दोस्तों कि ट्रेड ड्रायर मींस क्या होता है। ट्रेड ड्रायर ये सिंपली टाइप का ड्रायर होता है दोस्तों, ये बैच वाइज टाइप का ड्राइव होता है दोस्तों, मतलब बैच वाइज ऑपरेशन कैरी आउट करता है दोस्तों ड्राइंग के लिए। और दोस्तों इसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक बैच रखनी पड़ती है दोस्तों कि अगर अपने को इतने घंटे की प्रोसेस बनानी है, मतलब अपने को ड्राइंग करनी है, इतने घंटे में होना चाहिए ड्राइंग, तो इसके लिए टाइमिंग सेट करना पड़ता है दोस्तों। टाइमिंग सेट करेंगे, टाइमिंग सेट करने के बाद प्रोडक्ट डालेंगे अंदर ड्राइंग होने के लिए, फिर पूछिए वक्त बाद निकालेंगे दोस्तों। इसको बोलते हैं बैच वाइज ड्राइंग। और कंटिन्यूस तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि कंटिन्यूस पे कंटिन्यूस ही होगी प्रोसेस पर, ये बैच वाइज है दोस्तों, तो मैं आपको बैच वाइज ही पढ़ाऊंगा इसको क्योंकि बैच वाइज है। चलिए पहले मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ये क्या है। ये ट्रेड ड्रायर है, इसको कैबिनेट भी बोलते हैं दोस्तों, कैबिनेट। इसमें बहुत सारी रिमूवेबल ट्रेस होती है दोस्तों, मतलब इन ट्रेस को अपन निकाल भी सकते हैं। और प्रोडक्ट जिसको आपको ड्राई करा दोस्तों, वेट लंपी मटेरियल जो भी गीला है प्रोडक्ट, उसको इसमें डालेंगे दोस्तों। डालने के बाद मतलब कुछ वक्त बाद प्रोसेस कैरी आउट होगी दोस्तों, फिर अपन उसको निकाल देंगे। और ये लोडेड है, अपन ये ट्रक में भी लोडेड करके ले जा सकते हैं और स्टैक्ड ऑन ट्रेस। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। पहले कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज कंपोनेंट, इट कंसिस्ट ऑफ इनलेट एयर एंड आउटलेट कनेक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग कॉइल फॉर हीटिंग मीडियम एंड हीटिंग हीटिंग के जो का जो सोर्स है दोस्तों वो है, ये है कि अपन स्टीम भी भेज सकते हैं और इलेक्ट्रिकल, मतलब इसको हीटिंग भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। और इसमें मल्टीपल रिमूवेबल ट्रेस प्रेजेंट रहेगी दोस्तों, और इसमें प्रेजेंट रहेगा फैन, मतलब सर्कुलेट करने के लिए एयर को। और बस कुछ नहीं, इतना ही है। इसमें ट्रे सपोर्ट भी है दोस्तों, सपोर्ट के लिए, मतलब ट्रेस को सपोर्ट के लिए ट्रे सपोर्ट है। अब मैं इसका वर्किंग बता रहा हूँ दोस्तों आपको। वर्किंग बहुत ही सिंपल है दोस्तों, वर्किंग में कुछ भी नहीं है। वर्किंग क्या है, अपने को पहले जो मटेरियल है दोस्तों जिसको अपन को ड्राई करना है दोस्तों, वेट लंबी मटेरियल, वो अपन ट्रेस को निकालेंगे पहले, उसमें पूरा फिलअप करेंगे दोस्तों। फिलअप करने के बाद कुछ नहीं करना है, उन ट्रेस को अंदर डालना है और क्लोज करना है कैबिनेट को। क्लोज करने के बाद कुछ ने प्रोसेस पूरी कैरी आउट होगी दोस्तों, बैच वाइज है प्रोसेस पूरी, अपन बैच वाइज कैरी आउट कर रहे हैं दोस्तों इस प्रोसेस को, तो बैच वाइज अपन को टाइम सेट करना पड़ेगा दोस्तों जितने टाइम के लिए अपन कैरी आउट कर रहे हैं दोस्तों। जनरली ये 4 to 48 hours के लिए होती है दोस्तों, लॉन्ग है इसकी टाइमिंग, बैच वाइज भी है तो भी। और इतना होने के बाद दोस्तों थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों पूरी प्रोसेस कैरी आउट होने के लिए। टाइम लेने के बाद यहाँ पे हीटिंग कॉइल है, पूरा हीटिंग होगी दोस्तों पूरी, पहले एयर भेजेंगे अपन, पहले एयर भेजने के बाद यहाँ पे हीटिंग कॉइल है। हीटिंग कॉइल का काम क्या है, हीटिंग करना। अब स्टीम भी हीटिंग का सोर्स है दोस्तों, और इलेक्ट्रिकली सप्लाई भी भेज सकते हैं अपन हीटिंग के लिए। ये डाल दिया, हीटिंग होगी, हीटिंग होने के बाद ये एयर जो है सर्कुलेट होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे फैन लगा है, फैन चालू होगा तो एयर को सर्कुलेट होने ही वाली। सर्कुलेट होने से क्या होगा, ट्रेस के कुछ बीच से जाएगी, कुछ ऊपर से जाएगी, उससे क्या होगा ड्राइंग होगी दोस्तों। ड्राइंग होने के बाद कुछ सर्टन टाइम के बाद अपन इसको निकाल लेंगे, हो गई अपनी ड्राइंग प्रोसेस कैरी आउट दोस्तों। अब इसके मैं आपको एडवांटेजेस बता रहा हूँ दोस्तों, एडवांटेजेस बहुत ही इजी है दोस्तों। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये इजी है कंस्ट्रक्शन के लिए और चीप है दोस्तों, ये
मतलब सस्ता है और नो लॉस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब अपन ट्रेज में डाल रहे हैं दोस्तों, तो प्रोडक्ट तो लॉस नहीं होगा, जितना अपन डालेंगे ट्रेज में तो कुछ गिरेगा भी नहीं, बस जितना है उतना ही मिलेगा अपने को, नो लॉस ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है, बस इतना ही है। और है इसका डिसएडवांटेज है दोस्तों, इसमें हाई लेबर कॉस्ट है दोस्तों, मतलब लेबर ज्यादा लगेंगे इसको कैर आउट करने के लिए प्रोसेस को, और इतना होने के बाद इसमें ये जो यूज होती है दोस्तों, ये स्मॉल प्रोडक्शन के लिए यूज होती है दोस्तों। अब इसके एप्लीकेशंस बता रहा हूँ दोस्तों, इसके एप्लीकेशंस ये कि दोस्तों ये फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में यूज होती है दोस्तों, जहाँ पे फार्मास्यूटिकल मेडिसिन प्रोडक्ट यूज होते हैं वहाँ पे यूज होता है दोस्तों, और ये यूज होता है दोस्तों, ये यूज होता है जो वैल्यूएबल मटेरियल है दोस्तों, मतलब कि डाइस वगैरह इसमें ये यूज होता है दोस्तों, और ये वेट लंपी सॉलिड्स के लिए यूज होता है दोस्तों, बस इतना ही है दोस्तों इसका वर्किंग और इसके एप्लीकेशंस। ये ज्यादा तो यूज होता है फार्मास्यूटिकल में, और हीट सेंसिटिव मटेरियल में यूज होता है दोस्तों, हीट सेंसिटिव मतलब जो हीट सेंसिटिव होते हैं उसमें यूज होता है, मतलब फार्मास्यूटिकल। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा और समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो प्लीज लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मार दीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय।